हाय प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आपका इस अपने चैनल मैथ विद राजेश में स्वागत करते हैं। तो आज बच्चे हम आपके सामने एक अच्छी जानकारी लेकर आए हुए हैं जो रिलेटेड है क्लास सिक्स नाइन्थ और एलेवेंथ के लिए। तो वो बच्चे पूरे वीडियो अंत तक देखिए। एक नई नोटिस आई हुई है जो डेट को लेकर है, और जो नए बच्चे अपना फॉर्म डालना चाहते हैं उनकी लास्ट डेट है 24 सितंबर। तो जो बच्चे अपना फॉर्म फिर से फिलअप कर सकते हैं, जो बच्चे फिल करना फॉर्म भूल गए थे वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो नए बच्चे भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। तो क्या नोटिस है, मैं नोटिस की बात कर रहा था स्टूडेंट, और वो नोटिस आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको कहाँ देखना है। तो आप देखिए, ऐसे जब नीचे आएंगे तो आपका यहाँ आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया है यहाँ आप देखिए। ये वेबसाइट आपको कौन सी है, आप यहाँ देखो लिखा हुआ है BHU ऑनलाइन। इन पर जाएंगे तो आपको ये चीज़ें खुलकर आएगा, और स्टूडेंट ये देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कौन से वेबसाइट की बात कर रहा हूँ तो वो ध्यान से देखिए बच्चों। और वो वेबसाइट है आपके सामने, और ये देखिए इसमें दिया हुआ स्टूडेंट की स्कूल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ स्कूल इंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहा है, CET की बात कर रहा है, सीजन 2020 और 2021। यही सिक्स नाइन्थ है, एलेवेंथ के लिए है स्टूडेंट। और यहाँ आप देखिए थे एक नई नोटिस आई हुई है डेट शीट को लेकर स्टूडेंट। और डेट शीट क्या है इसको मैं अच्छे से आपको डिटेल समझाता हूँ, और बच्चों के लिए जानकारी ये है, और बच्चों के लिए जानकारी क्या है मैं उसको समझा देता हूँ। जो बच्चे नए फॉर्म अपना डालना चाहते हैं कैसे अपना फॉर्म डाल सकते हैं, या जो अपना कैंसिल भी करना चाहते हैं तो कैसे कैंसिल कर सकते हैं, वो वीडियो भी बच्चे अंत तक देखिए, मैं आपको थोड़ा से समझा देता हूँ और वो कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ दिया हुआ है कि क्लिक हेयर अप्लाई फ्रेश। आपको अगर अप्लाई करना है स्टूडेंट, अगर अप्लाई करना है तो आपको स्पेस आना है, तो न्यू अप्लाई करने के लिए आप स्पेस जा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। सॉरी ये हमें यहाँ आना है, सॉरी। तो यहाँ देखना है स्टूडेंट, अगर हमें न्यू अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई भी कर सकते हैं, और अपडेट भी लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ क्लिक हेयर अप्लाई फ्रेश एंड अपडेट न्यू, तो आप अपडेट भी कर सकते हैं और अपने फॉर्म को जो है जो भी कैंसिल करना चाहते हैं और रिफंड उनकी फीस हो जाएगी। देखिए आप इस पर जब क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो ऐसा फेस खुलेगा, और आपको सिर्फ अपना जो ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड जो याद रखना है उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से अपना जब खोलेंगे तो ये अपडेट देखिए क्या क्या चाहिए। जो नए बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए स्टूडेंट क्या है, ईमेल आईडी, तो आपकी 24 तारीख लास्ट डेट है तो बच्चे अपना कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर चाहिए, स्कैनिंग फोटो ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, स्कैन सिग्नेचर कैंडिडेट एंड पेरेंट्स, क्रेडिट कार्ड या नेट, मतलब वही पैसा कटने वाली बात है, अपना मनी कैसे कटाना है। अगर आप क्लास टेंथ में हैं तो स्टूडेंट एलेवेंथ में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्लास टेंथ का एग्ज़ाम दे चुके हैं, एलेवेंथ के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो टेंथ का आपको मार्कशीट भी क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। चलिए हम लोग आप देर ना करते हुए अपने नोटिस की ओर बढ़ते हैं, और वो नोटिस डेट शीट की क्या है तो मैं पहले से ही डाउनलोड किया हूँ, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, जैसे दिख रहे हैं ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया है, इसलिए आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत है नहीं स्टूडेंट। और मैं आपके सामने वो चीज़ें PDF दिखा रहा हूँ, किससे रिलेटेड है, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए ये आ गई है, तो स्टूडेंट इसमें क्या दिया हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में दिया है, तो यहाँ स्कूल के बारे में देखिए, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के बारे में दिया है, और कौन सिक्स नाइन्थ एंड एलेवेंथ के एडमिशन के बारे में। देखिए यहाँ स्टूडेंट वही सारी चीज़ें दिया है जो लास्ट डेट के बारे में, आपको डेट से संबंधित लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन फॉर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म डालने का। और यहाँ स्टूडेंट दिया है डेट ऑफ करेक्शन ऑफ क्लास 11 रिगार्डिंग डिटेल ऑफ मार्कशीट एंड मार्कशीट अपलोड फॉर ये, तो मतलब मार्कशीट जो बच्चे 11 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपनी मार्कशीट यहाँ अपलोड कर सकते हैं।
तो जिनका अच्छा परसेंटेज है तो वो बच्चे अगर एक बार फॉर्म भरना भूल गए हैं फिर से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो अपलोड करने की डेट है वो 25 है। अब यहाँ दिया है जनरेशन ऑफ द ट्रांसिटिव मेरिट लिस्ट फॉर 11th। अब देखिए इसमें क्या है, जनरेशन फॉर टेंटेटिव मेरिट लिस्ट। देखिए यहाँ जो है आपका टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जो दिया हुआ है वो कब आ सकती है, क्लास 11th की जो मेरिट लिस्ट आ सकती है, ठीक है। अब वो कब आ सकती है, मैथ बायोलॉजी आर्ट एंड कॉमर्स के लिए वो 29 को आ सकती है। तो 29 सितंबर को जो है आपकी मेरिट लिस्ट, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट फॉर क्लास 11th के लिए आ सकती है। मेरिट लिस्ट, टेंटेटिव का मेरिट लिस्ट का मतलब एक आधार बन जाएगा कि किस तरीके से आपका एडमिशन होगा, वो टेंटेटिव आपका आ जाएगा। डेट ऑफ रिसीव ऑब्जेक्शन, तो ऑब्जेक्शन कौन से कब क्या हो जाएगा, सॉरी रेस ऑब्जेक्शन, क्या क्या करना है आपका, कौन सा ऑब्जेक्शन कौन सा आप लगा सकते हैं आपके ये टेंटेटिव मेरिट लिस्ट के बारे में ऑब्जेक्शन आप ले सकते हैं, वो 30 को होगा और एंड 1 अक्टूबर को होगा। तो ये आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। अब बात आती है डेट ऑफ ई लॉटरी फॉर क्लास 6 और 9। बहुत बच्चे परेशान हैं ई लॉटरी सिस्टम से उनका एडमिशन होगा वो कब होगा, ये ध्यान रखना है। तो 29 सितंबर को होगा, 29 सितंबर को उनका क्या हो जाएगा, ई लॉटरी सिस्टम पता चल जाएगा किन बच्चों का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। या डेट है 29 सितंबर, याद रखिए 29 सितंबर को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे स्टूडेंट, आगे दिया है डिस्प्ले लिस्ट, ठीक है, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड वेटिंग लिस्ट ऑफ नोटिस क्लास इतने। तो वो आपको नोटिस मिल जाएगी कि कब आपका वेटिंग लिस्ट होगा स्टूडेंट, मतलब जिन बच्चों का ई लॉटरी सिस्टम से एडमिशन हो जाएगा और रिमेनिंग सीट जो बनती है उसके लिए एक वेटिंग लिस्ट बना दी जाएगी, उसकी नोटिस जो आपको दे रहा है वो 3 अक्टूबर को मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ डेट ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन ऑफ एक्सटर्नल कैंडिडेट, मतलब जो बाहर की स्टूडेंट है वह उनकी बात कर रहे थे। और ये सारे स्टूडेंट कौन से हैं वो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे स्टूडेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट फॉर ये बात कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकुलर ये बात आपसे यहाँ, अभी देखिए एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए क्या क्या इसमें आगे बात किया है, और वो बात किया डेट ऑफ काउंसलिंग एडमिशन फॉर एक्सटर्नल, मतलब बाहर के स्टूडेंट की बारे में बात कर रहा है, वो डेट की भी बात कर रहा है। और यहाँ देखिए ये काउंसलिंग की बात हो रही है, तो काउंसलिंग की बात मैं यहाँ देखता हूँ क्या होता है काउंसलिंग, कैसे आपके एडमिशन की बात कर रहा है, वो बातें कर रहा है यहाँ। क्लास 11, ध्यान रखिए क्लास 11 के लिए है, वो टाइमिंग है 8 से 12 बजे तक आपके काउंसलिंग होगी, और ये कब होगी स्टूडेंट, 7 अक्टूबर को। इसकी सेकेंड लिस्ट जो आएगी, यहाँ देख रही हैं सेकेंड लिस्ट इफ़ सीट रिमेनिंग वैकेंट्स, अगर आपकी रिमेनिंग वैकेंट होगी कुछ सीटें बच जाती है तो उसकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, और वो कब होगा, वो होगा 13 अक्टूबर को। और बायोलॉजी की मैं बात करूँ 11 बायोलॉजी की, तो वो 8 को होगा और उनका 13 का भी वही चीज़ आएगी। एंड कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनका 9 अक्टूबर को होगा। मैं बात कर रहा हूँ अब जो है 11, अब आगे जो पैड सीट की बात कर रहे हैं, मतलब जिस पे आपको पैसा देना है, वो अगर स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो 15 अक्टूबर उनका डेट रहेगा। अब मैं बात करता हूँ क्लास 9 के लिए, तो 12 अक्टूबर याद रखेंगे, 12 अक्टूबर और 16 अक्टूबर का उनका वेटिंग लिस्ट, जो सेकेंड लिस्ट आएगी जो रिमेनिंग सीट बटेगी उनके लिए, बच्चों के लिए है। क्लास 6 के लिए स्टूडेंट मैं बात करूँ तो ये 7 अक्टूबर याद रखें, 17 अक्टूबर, तो 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर को ध्यान रखेंगे, उनका जो फर्स्ट लिस्ट का पता चल जाएगा किनका एडमिशन, मतलब उस दिन एडमिशन की बात हो जाएगी, और जो वेटिंग लिस्ट होगी उनका कब होगा, उनका 20 अक्टूबर को होगा। तो ये आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो स्टूडेंट,
तो आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये नोटिस आपको मिल जाएगी, वेबसाइट पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी नई जानकारी आएगी मैं आपको तक पहुँचाता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को, जब देखिए ऑथेंटिक जानकारी आएगी वेबसाइट पर आएगी तभी मैं वीडियो बनाऊँगा इसको आप।